नमस्ते सभी को, वेलकम इन किचन 24 आवर। और आज हम बनाने वाले हैं रोटी से एक नई डिश। तो आइए जानते हैं इंग्रेडिएंट्स। मैंने ले लिए हैं यहाँ 3 प्याज। अब मैंने काट लूँगी। मैंने 3 मीडियम साइज प्याज चॉप कर लिए हैं। मैंने सारे प्याज चॉप कर लिए हैं। मैंने 5 मीडियम साइज मिर्ची ली हैं, इन्हें भी काट लिया है मैंने। अब मैंने रोटियाँ ली हैं, अब मैं इन्हें सेक लूँगी। हमें इन्हें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें इन्हें हल्का गर्म करना है ताकि ये ग्राइंड हो जाए। मैंने इसी प्रकार सारी रोटियाँ गर्म कर लें। आप भी सारी रोटियाँ हल्की हल्की गर्म कर लें और इसे ग्राइंडर में टुकड़े करके डाल दें। और मैं इसे बारीक पीस लूँगी। कुछ इस तरह, देखिए आप भी इस तरह से बारीक रोटी पीस लीजिए। और इस तरह से मैंने सारी रोटियाँ पीस ली हैं। और मैंने सारी रोटियाँ पीस ली हैं। अब मैं एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून ऑयल लूँगी, कुछ राई के दाने, ज़ीरा, और अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनूँगी। जब मेरी प्याज हल्की पक जाए तब मैं इसमें मिर्ची डाल दूँगी और इसे और भूनूंगी करीबन 5 मिनट। प्याज जब पूरी तरीके से भुन जाए तब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी। नमक इस पर टेस्ट आप डाल दीजिएगा। और मैंने इसमें कुछ मटर डाल दी है, करीबन 2 मिनट अब मैं इसे सेक लूंगी। और अब इसमें मैं रोटी डाल दूंगी जो मैंने ग्राइंड कर ली थी। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून खटाई डाली थी, पर वो वीडियो में से बनाने में मिस हो गया, तो आप भी डाल दीजिएगा और इसे कवर करके पकने दीजिएगा। करीबन मैं 4 से 5 मिनट इसे बार बार इसे कवर करके पकाऊंगी और ये हमारी साइड रोटी तैयार है। तो अब आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।